ये कैसी आपकी राजनीति है कि आप कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम पार्टी बता रहे हैं कांग्रेस सबकी पार्टी है कांग्रेस कह रही है देखिए कांग्रेस कुछ कह नहीं रही है वो समझ नहीं पा रही है आखिर कहेगी क्या देखिए तुष्टिकरण और कांग्रेस ये दोनों पर्यायवाची शब्द बने जिसका नतीजा हमने 2014 में देखा 2014 से पहले जिस प्रकार की तुष्टिकरण रही थी रोज हम डिबेट करते हैं 2014 में हारने के पश्चात कमीशन कमीशन बनी ने कहा कि वी लुक लाइक अ मुस्लिम पार्टी और इसे बदलना पड़ेगा उसके बाद बहुत चेष्टा की राहुल गांधी जी ने की जो फैंसी ड्रेस के माध्यम से कभी जने उदाहरण करें कभी मंदिर में जाए कभी टीका लगाएं मगर उसके बाद देखिए होता है ना कि जो मूल होता है वो बदल नहीं सकता मोदी जी तो अंतो वो लौट के वहीं आए जहां से बाहर जाए ईद मिलन करती है सुन लीजिए मेरे भाई सर सर मेरे भाई सुन लीजिए आपके बीच में तो मैं नहीं बोल रहा था अच्छी बात है तो आप तो मैं तो बोल रहा हूँ आप पूरा खुल के बोलिए क्या पार्टी है डर क्यों रहे हैं फिर तो आप बीजेपी से क्यों सीखने की? ने, ने, मैं, आप मैं, के आप खुल के बोलिए ना अरे बोलिए आप बोलिए खुलकर घबरा क्यों रहे मेरे भाई आप मुझे कंप्लीट दीजिए तो आप आप कंप्लीट करने दीजिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए सापरा भाई देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अचानक रियलाइज किया कि देखिए जो भी हो हमें अपने ट्रैक पे वापस आना पड़ेगा और इन्होंने एक मीटिंग जो की तथा बुद्धिजीवियों के साथ वहां हाथ जोड़ के राहुल गांधी ने माफी मांगा कि मुझे माफ कर दीजिए मंदिर जाना पड़ा मुझे माफ कर दीजिए जनेऊ पहनना पड़ा और हम मुस्लिम पार्टी है हाँ हम मुस्लिम पार्टी है प्रियंका चतुर्वेदी बैठी थी और कह रही थी और

अब अब, अब, मुझे ना। अब मुझे बोलने दीजिए साथ में, में मसाले लगा के बोलोगे तो मैं टोकूंगा अरे रुक तो जाइए हाँ आप आप मसाला साफ करते रहिए मुझे तो बोलना बोलिए ना, ना। देखिए अमीश भाई मैं बोलिए बोलिए याद करिए पहला डिबेट जिसका कि एक झलक जिसका एक झलक आपने अभी डिबेट में भी दिखाया है उसमें प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद थी उन्होंने कहा कि इस पेपर के खिलाफ हम तो डिफॉर्मेशन कर देंगे अरे डिफॉर्मेशन तो दूर अगले दिन नदीम जावेद जो इनके माइनॉरिटी सील के अध्यक्ष रहे हैं वो इंटरव्यू देने चले गए और इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत कहा? कहा हाँ हम मुस्लिम पार्टी है हम कह रहे हैं ये चोरी छुपी मुस्लिम पार्टी क्यों बन रहे हो भैया खुलेआम बन जाओ इसमें